हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और बताइए, आप सबका हाल चाल सही है ना। मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं, अगर आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कहीं, हम लोग का परिवार का बहुत बड़ा जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। अनाया कहाँ जा रही है? बाय। फाइनली पहुंच गए अपने मंजिल की, जहाँ पूजा करना है वहाँ आ गई अनाया। ये देखिए अनाया तो कैमरे पे पहुंच गई। इतना छोटा मशीन है। अरे अभी फिर सेट कर देता हूँ। ये देखिए। चलो वहाँ आया। फाइनली हम लोग उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे हम लोग को पूजा करना था और जाना था। आप लोग शायद वीडियो देख करके पता लगा ही लिए होंगे कि ये क्या है, किस चीज़ का मशीन है। मैं फिर भी बता देती हूँ, ये शायद सीमेंट से जो ईंट बनता है ना, जिसको शायद फ्लाई ऐश बोला जाता है, उसी का हम लोग के यहाँ प्लांट लग रहा है। और ये मेरा स्पेशली मेरे हस्बैंड का ख्वाहिश था कि मैं वो प्लांट लगाऊँ, तो वो बहुत दिनों से सपना देख रहे थे इसका, मतलब अपने दिमाग में वो बैठाए हुए थे कि ये प्लांट मुझे लगाना है। और वो फाइनली विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीन आ गया। और यहाँ पे मशीन अभी सेट नहीं हुआ है, सारा ऐसे ही पार्ट रखा हुआ है। तो अनाया को लेकर के हम लोग गए थे पूजा करवाने के लिए, क्योंकि अनाया के नाम से ही ये मशीन का जो भी है प्लांट है वो बना है, इसीलिए हम लोग अनाया को लेकर गए थे। और मुझे पूजा नहीं करना था उस दिन, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, सारा पूजा का विधि मैं बता रही थी कि ऐसे 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 सारा विधि वो कर रहे थे। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी था दोस्तों, इसीलिए अनाया को पसीना भी आने लगा था थोड़ा सा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, इनको पूजा उतना नहीं आता, वो नहीं कर पाते, इसीलिए थोड़ा सा बताना पड़ रहा था हम लोग को सारा पूजा का विधि। बाकी तो पंडित जी फिर करवे करेंगे। और फिर आरती सारी पूजा करो। हाँ मिट्टी का फूल लगा उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब गर्मी से सबका हालत ख़राब हो गया था, इतना ज़्यादा पसीना चू रहा था, क्या बताएं। मेरे हस्बैंड जी को तो पूजा करते करते एकदम पूरा पसीना आ गया था, क्योंकि सारे जितने भी मशीन का पार्ट है ना, सारे पे पूजा करना था, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था पूजा करते करते। और अनाया भी रोने लगी थी उतना देर में, क्योंकि इसका पैर पूरा जलने लगा था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। लेकिन फाइनली फिर हम लोग पूजा किए, तब जा कर के घर वापस आए, अच्छे से पूजा किए तब। ये बस ऐसे ही मशीन आया है तो उसी का हम लोग अनाया का पैर का छापा दिलवा दिए, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले घर की जो लक्ष्मी होती है ना, कन्या होती है ना, उससे पूजा करवाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद ही पंडित जी पूजा आकर के करेंगे, हवन करेंगे, जिस दिन शुरुआत होगी उस दिन। अभी बस मशीन आ गया है, रखा हुआ है, मशीन अभी सेट नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर लिए, लड्डू वगैरह चढ़ा दिए थे, फिर आरती से अनाया का पैर का निशाना लगवाए थे सारी मशीन पे। फाइनली मतलब हम लोग को बरसों से ये इस चीज़ का इंतज़ार था कि ये मशीन हम लोग के यहाँ भी आए और ये प्लांट हम लोग के यहाँ भी बैठे, और वो सपना पूरा हुआ। बस भगवान करे अच्छे से चले, खूब तरक्की हो। बस आप लोग भी दुआ करिए कि जो भी मेरे यहाँ बिजनेस शुरू हो रहा है, खूब तरक्की हो, ढेर सारा नाम कमाए। चलो।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाया का पैंट भींगा हुआ है, क्योंकि बगल में पानी रखा हुआ था कहीं पे, वो जा करके बैठ गई उस पे, इसीलिए इसका पैंट भींग गया था। इसको हम पैंपर्स पहना करके नहीं लाए थे, सोचे कि जल्दी पूजा करके चले आएंगे, इसीलिए इसको हम पैंपर्स नहीं पहनाए थे। बट कोई नहीं, बच्चा है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा करने के बाद जाना ही था घर, इसीलिए फिर हम दूसरा पैंट लेकर के नहीं आए थे। और यहाँ पे देखिए, इसके पापा गोद में लेकर के सारे मशीन पे पैर का निशाना दिलवा रहे हैं। बस भगवान से मैं इतना ही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी बिजनेस हम लोग का परिवार में शुरू होने जा रहा है, प्लीज़ भगवान जी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अच्छे से चले और खूब तरक्की हो, किसी का भी नज़र नहीं लगे, बुरी आत्मा का इस पर परछाई भी ना आए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी दोस्तों। फिर जब इसका उद्घाटन होगा तब मैं आप लोग को पूरा वीडियो दिखाऊंगी कैसा ये दिखता है मशीन। और यहाँ पे पूजा हो गया कंप्लीट, बस आरती बचा हुआ है, तो वही आरती हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अनाया को भी ले रहे थे गोदी में ताकि वो भी आरती कर ले, लेकिन वो इतना बदमाश है कि वो आरती कर ही नहीं रही थी, इसीलिए फिर हम इनको बोले कि आप खुद ही आरती कर लीजिए, वो तो आरती कर नहीं रही है, इसीलिए फिर हम लोग आरती किए। और ओ कपूर गरम करुणा अवतारम, पकड़ो हाथ पकड़ना, संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम निर्देर बिंदे दवम भवानी सही संग भवानी। और यहाँ पे पूजा हो गया है कम्प्लीट और आरती भी हो गया, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा ब्लॉग देखना आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।